नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ मनीषा। आज हम लोग जानेंगे कि जो हम अपने घर पे मंदिर में प्रतिदिन फूल चढ़ाते हैं, फूल माला अर्पित करते हैं, फूल माला के साथ में बेलपत्र है, तुलसी की पत्तियां हैं, दूर्वा घास है और जो समी की पत्तियां हैं, ये सारी चीजें हम अपने देवताओं को अर्पित करते हैं, तो संध्या के समय उनका जो श्रृंगार होता है उन्हें हटा के, यानी उन्हें हल्का करके, फिर उनका हम धूप दीप दिखाते हैं और पूजा अर्चन करते हैं, तो वो प्रतिदिन जो फूल रहता है वो बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाता है। तो पहले सनातन धर्म में तो क्या था कि अलग अलग जगह जगह पे सरोवर आदि बने रहते थे, तालाब रहते थे, जिसमें जाके लोग वो जल प्रवाह कर देते थे, ऐसा नियम बताया गया था। लेकिन दोस्तों, अभी समय के बदलाव होने के कारण हम यदि गंगा यमुना में ये विसर्जित करते हैं आस्था की दृष्टि से, तब तो वो ठीक माना जाता है, लेकिन वहां भी स्वच्छता अभियान होने के कारण प्रतिबंध लगा दिया गया है। और हम यदि अपने मानसिक दृष्टि से भी सोचे तो ये बिल्कुल भी उचित नहीं रहता, क्योंकि इसी फूल माला एक कहीं ना कहीं श्रद्धा का रहता है, लेकिन उससे हमारी नदियां काफी जो है मैली हो रही हैं, गंदी हो रही हैं। तो इस बात का ध्यान रखते हुए आप कहाँ पे फूल माला विसर्जित करें, ये भी बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। दोस्तों, फूल माला के साथ में जैसे बहुत सारी खंडित मूर्तियां हैं या फिर प्रतिमाएं हैं, उससे आप कैसे विसर्जित करें। दोस्तों, ये वीडियो बनाने का मेरा यही मकसद है कि आप नदियों के जल को दूषित ना करें, उन्हें स्वच्छ रखने में पूरा सहयोग करें। और ज्यादातर गंदगी फूल माला या फिर हम जो भी ये विसर्जित वाला कार्यक्रम होता है उसे करके हम अपनी नदियों को गंदा करते हैं। तो आज हम एक बहुत अच्छा तरीका आपको बताएंगे, जिससे आपके जो फूल होते हैं आपकी आस्था को भी ठेस नहीं पहुंचेगी और आपका जो माला फूल होगा वो सही स्थान पे होगा और हमारी जो नदियां होती हैं वो भी गंदी नहीं होगी, दूषित नहीं होगी। तो यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं, उसके बाद जब बेल आएगी तो बेल को आपको प्रेस करना बहुत ही आवश्यक है, इससे आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलना शुरू हो जाएगी। तो चलिए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, जो ये फूल है इनको आपने, जैसे कि ये मैंने एक पॉलिथीन में रख दिया था, रोज रोज थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करके, ये देखिए इस तरीके से, ये करीब एक हफ्ते 10 दिन के हमारे फूल हैं जो प्रतिदिन हमारे उसमें चढ़ते हैं भगवान को। तो ये जो काफी पुराने हो जाते हैं वो इस तरीके से सड़ने लगते हैं। ये नीचे के फूल आप देख सकते हैं, अब इन फूलों को यदि हम गंगा यमुना नदियों में प्रवाहित करेंगे तो फिर हमारी नदियां दूषित हो जाएंगी और इधर उधर फेंकेंगे तो फूलों का अपमान होगा। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि एक खाली मिट्टी का गमला ले लें। यदि आपके पास गमला नहीं है तो कोई पुरानी बाल्टी भी आप ले सकते हैं, लेकिन गमले में ज्यादा बेटर रहता है। और इसके नीचे होल होना बहुत आवश्यक है, ये होल होगा और ये थोड़ा सा एक आप गिट्टक रख दीजिए जिससे कि ऑक्सीजन इसमें पहुंचती रहे। उसके बाद इसमें आपने थोड़े से ये सूखी पत्तियां डाल दीजिए, अगर आप प्लांट के शौकीन हैं तो इस तरह के थोड़े के फूल पौधे पत्तियां आपके घर में अवश्य होंगी, इस तरह से आप डाल सकते हैं। ये हमारी गमले की मिट्टी है, अलग से है, इस तरीके से आपको थोड़ा सा नीचे मिट्टी डाल देना है। अब हम इन फूलों को इसमें ये इस तरीके से आप भर दीजिए, सारे फूलों को भर सकते हैं। ये इन्हीं फूलों के साथ में यदि आप चाहें तो आपके पास इस तरह के जो बुक फट जाती है, हम पढ़ाई करते हैं ये इस तरीके से 40 सा वगैरह जो भी रहता है फट जाती है, तो वो उसका भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो आप इसको भी इसमें इस तरीके से इसमें रख के मोड़ के इस तरीके से, और इसको आप इसमें दबा सकते हैं, ठीक है। तो ये काफी कागज है तो धीरे धीरे इसे में गल के मिक्स हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस तरीके से आप इसको करें, और भी जितने भी फूल हैं हम उसको एक साथ डाल देंगे। ये अब उसके ऊपर आप थोड़ी सी ये सूखी वाली पत्तियां डाल दें। सूखी पत्तियां इसलिए डालते हैं कि ये खाद में
बहुत जल्दी कन्वर्ट हो जाती है, बहुत अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है ये इस तरीके से। अब ये इसके ऊपर हम थोड़ी सी मिट्टी डाल देंगे, ठीक है जी। मिट्टी डालने से क्या होगा कि आपका जो ये जब फूल बिल्कुल नीचे गल जाएगा तो मिट्टी में बिल्कुल मिक्स हो जाएगा और आपका ये बहुत ही पौष्टिक भरा एक खाद तैयार हो जाएगा। अब इसके ऊपर आप थोड़ा सा पानी डाल दीजिए, ये इस तरीके से करके आप एक साइड में रख दें। आप देखेंगे एक हफ्ते 10 दिन के अंदर ये बिल्कुल मिट्टी में मिक्स हो जाएगा और आप इसे चला के अपने और फूलों में आप डाल सकते हैं एज अ खाद के रूप में। बहुत ही अच्छा पौष्टिक खाद भी तैयार हो जाता है और आपके फूलों का सदुपयोग भी हो जाता है, ठीक है। फूलों को हम कैसे विसर्जित करें, गंगा यमुना में ना करके हम कैसे घर में या फिर आप कहीं इस तरह से पार्क में भी कर सकते हैं। यदि आपके यहाँ इस तरह मिट्टी रखने की व्यवस्था नहीं है या फिर आपके पास कोई गमला नहीं है तो आप अपने फूलों को पॉलिथीन या पैकेट में भर के एक हफ्ते 10 दिन तक रखें। उसके बाद जब वो थोड़ा सा सड़ने लगेगी तो आप किसी पार्क में ले जाके, पार्क में जो क्यारियां लगी होती है पौधों की, वहां पे साइड में खड्डा खोद के आप इस तरह अपने फूलों को विसर्जित कर सकते हैं। इनमें रखा हुआ था ये, ना मिट्टी मिलाया मैंने, कुछ भी नहीं। कुछ दिनों के बाद ये बिल्कुल सूख गया है और बिल्कुल पाउडर का रूप ले लिया है। तो इस तरीके से यदि आपके पास मिट्टी नहीं है, गमला नहीं है, तो भी आप ये कार्य कर सकते हैं। और उसके बाद जब ये इकट्ठा हो जाए तो आप इसका ऐसे अच्छे से बैठ के एक दिन थोड़ा समय निकाल के ऐसा पाउडर बना के और खाद तैयार कर सकते हैं और किसी नर्सरी में आप दे सकते हैं या फिर कहीं पार्क में यदि गमला वगैरह है तो वहां पे आप खुद जाके डाल सकते हैं। ये देखिए अभी ये कुछ ही दिनों का है तो इसमें उतनी सड़न नहीं आई है। मैं इसको अलग अलग तरीके से इसलिए आपको दिखा रही हूँ कि आपको पूरी तरीके से जानकारी हो, आपके पास गमला हो, मिट्टी है, कुछ भी नहीं है, फिर भी आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये देखिए बिल्कुल बाहर हम निकाल के दिखा दे रहे हैं आपको। तो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो फूलों का विसर्जन को लेकर। इस तरह से करके आप अपनी गंगा नदियों को सफाई में काफी हेल्प कर सकते हैं और एक अच्छी खाद भी तैयार करके अपने पौधों को एक हेल्दी पौधे के रूप में खाद भी तैयार कर सकते हैं। तो हमारी वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।